गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन 12th क्लास में कंपलसरी हिंदी में अब तक अपने टॉपिक चल रहे थे ग्रामर के। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीडर। तो रीडर में जो आपका फर्स्ट जो आपकी बुक है सृजन, उसके फर्स्ट टॉपिक है संतवाणी। तो संतवाणी में हमारे पहले कवि हैं कवि कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी गई है। हिंदी साहित्य की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया है। यानी ये बाह्य आडंबर का इन्होंने हमेशा ही विरोध किया है। इन्होंने आत्मवत सर्व भूतेषु के मूल्य को स्थापित किया। आत्मवत यानी आत्मा के बल पर, इन्होंने आत्मा के बल को यानी इन्होंने आत्मवत को बल दिया है। सर्वभूतेषु के मूल्य को स्थापित किया यानी सब जगह आत्मवत यानी हर जगह आत्मा विद्यमान है, समस्त पृथ्वी पर आत्मा ही प्रथम है का मूल्य को स्थापित किया है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति और तेज था। अबाध गति यानी प्रतिभा मतलब उनमें जो उनकी जो प्रतिभा थी उनका जो तेज था वो अबाध गति थी। उन्होंने पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। समाज सुधारक इसलिए क्योंकि इन्होंने छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच आदि का कड़ा विरोध किया है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। वाणी का डिटेक्टर यानी वाणी इनके वश में थी। कवि ने अपनी सपाट बयानी यानी स्पष्ट बोलना, तटस्थता यानी अपनी बात पर तटस्थ रहना से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए हैं उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। यानी वो तो चले गए, अब उनके जो समाज सुधार के जो आदर्श थे, जो उपदेश थे उनका संकलन यानी उनको सबको उनके शिष्य धर्मदास ने व्याख्यान किया है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक, अब जो हमारी ये जो हमारी पुस्तक है सृजन, इसमें जो हम फर्स्ट चैप्टर कबीर का पढ़ रहे हैं तो उनके जो दोहे हैं उन दोहों में उन्होंने किसके बारे में बताया है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्व को बताया जाता है। उन्होंने अपने दोहों में त्याग को बहुत ही महत्व दिया है। उन्होंने स्वयं ने भी किसी चीज़ में कभी उनका कोई लोभ में किसी चीज़ में उनकी इच्छा नहीं थी। संसार में उन्होंने त्याग के एक महत्व को विद्यमान किया है। मानव को हंस की तरह नीर छीट विवेक रखना चाहिए। मानव को हंस की तरह, हंस क्यों, हंस का उदाहरण क्यों दिया जाए यहाँ, क्योंकि हंस क्या करता है, जब उसके सामने दूध और पानी को रखा जाता है तो वो छीर छीर यानी दूध दूध को पी लेता है और नीर यानी पानी को त्याग देता है। अभिमान त्यागने में सार है। मनुष्य का सार किस में है, अभिमान को त्यागने में ही मनुष्य का सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। साधु से कभी साधु की जो है उसके अंदर कितना ज्ञान है उस ज्ञान से ही उसकी पहचान होती है। सत्संगति सार्थक होती है। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि अच्छी संगत में रहिए। यही हमारे गुरुओं ने हमारे जो संतों ने हमें उपदेश दिया है कि हमेशा सत्संगति यानी अच्छी संगत ही मनुष्य को सार्थक बनाती है। दुर्वाशा सर्पणी, दुर्वाशा यानी बुरी इच्छाएँ एक सर्पणी के समान है जो घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए, मधुरता यानी वाणी में हमेशा मधुरता होनी चाहिए क्योंकि मधुर वाणी ही लोगों को आकर्षित करती है। अब देखिए हमारा चैप्टर है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे दोहे। तो हमारा फर्स्ट दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए यानी हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार में हम त्याग दें यानी दूसरों को अर्पित कर दें। कैसे, क्योंकि त्याग करते समय हमारे मन में उस त्याग के प्रति दृढ़ विचार रहना चाहिए। किसी भी चीज़ में हमारी इच्छाएं, लालसाएं अटकनी नहीं चाहिए कि ये चीज़ तो मैं रख लूँ, ये तो मेरे पास रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम त्याग करते हैं तो त्याग में हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हमारे पास है वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं है। कहते ना अपन कबीरदास जी, अपन कहते संतों की क्या मान्यता रही है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तो जब उनका ये मानना है कि जब हम कुछ लेकर ही नहीं आए तो हम इस सांसारिक चीज़ों में अपनी इच्छाएं भी क्यों ललसाएं यानी हमारी इच्छाएं या हमारी लालसाएं क्यों अटके। इसलिए वो कहते हैं
त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, यानी हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि सब कुछ एक बार में ही त्याग दिया जाए, सब प्रभु का मेरा नहीं। हमें मन में यह विचार लाना चाहिए, निश्चय किया विचार, निश्चय यानी निश्चय किया विचार, हमें यह निश्चय करके विचार करना चाहिए कि सब कुछ प्रभु का है, क्योंकि जो भी कुछ है वो सब ईश्वर का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं है तो हमारी इच्छाएं हमारी लालसाएं भी उनमें अटकती नहीं है। आगे देखिए, आगे आपको ये त्याग तो ऐसा कीजिए, यानी हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि जिसमें सब कुछ एक ही बार में त्याग दिया जाए, ऐसा नहीं आज तो ये दे दूँ कल ये दे दूँगी आज आज वो रख लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार, जो कुछ मेरे पास है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, उसी ईश्वर का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें मन में विचार करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता ओगुण लीजिए नाहीं, सुनिए गुण की वार्ता। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुणों की, मनुष्य को गुणों की महत्ता को अच्छी तरह सुनकर समझकर, यानी हमें गुणों को अच्छे से सुनकर समझकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी उसकी अच्छाई, उसकी विशेषता, हमें गुणों की अच्छाई गुणों की विशेषताओं को सुनना चाहिए, क्योंकि गुण तो स्वयं ही एक विशेषण है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, हमें गुणों की विशेषताओं को गुणों की उपयोगिता को सुनना चाहिए, अवगुण लीजिए नहीं और अवगुणों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, किस प्रकार, जिस प्रकार हंस क्या करता है, क्षीर को गहत है, क्षीर को यानी दूध को ग्रहण, गहत यानी ग्रहण कर लेता है, नीर सो त्यागे जाहि और जल को त्याग देता है, उसमें क्या है विशेषता है ना, क्यों, क्योंकि वो अच्छाई को गुणों को पहचानता है। तो हमें भी गुणों की पहचान रखनी चाहिए और हमेशा गुणों को ही अपनाना चाहिए, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हंस क्या करता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और नीर को यानी जल को त्याग देता है। छोड़े जब अभिमान को, अब देखो अगले में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य जब अभिमान का त्याग कर देता है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, जब मनुष्य अभिमान का त्याग कर देता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, जब मनुष्य अभिमान का त्याग कर देता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, जब हम मन से अभिमान का त्याग करते हैं तो हमारे मन में क्या हो जाता है, मन से जब अभिमान मैं का भाव निकल जाता है तो हमारे मन में ईश्वर का वास हो जाता है, क्योंकि जब तक अहम अंदर होता है तब तक अच्छी चीज़ यानी ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, ईश्वर हमारे अंदर नहीं आ पाते। क्यों, क्योंकि जब तक मैं होता है इंसान में घमंड होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन से अभिमान का त्याग कर देता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे मेरे ही है निज पीर, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, यानी कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम का ही वास है, अर्थात मेरे ईश्वर का ही मेरे हृदय में वास है। क्यों, क्योंकि मेरे हृदय में अहम नहीं है, मेरे जीवन में घमंड नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके जीवन में घमंड नहीं है, यानी जिसने अहम का त्याग कर दिया है, जिसने मैं का त्याग कर दिया है, उसके जीवन में ईश्वर का वास हो गया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें जाति यानी साधुओं से कभी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो, जाति नहीं पूछो साधु की, कभी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें तो उनसे उनका ज्ञान ही पूछना चाहिए। क्यों, क्योंकि साधु संतों की पहचान किससे होती है, उनकी जाति से नहीं, उनके ज्ञान से उनकी पहचान होती है। किस प्रकार, जिस प्रकार मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, जिस प्रकार जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार की धार देखी जाती है, उसकी बाह्य सुंदरता यानी जिस तलवार को जिस म्यान में रखा जाता है उस म्यान की सुंदरता को देखकर हम तलवार नहीं खरीदते हैं, हम तलवार की उपयोगिता को उसकी धार को देखकर उसको खरीदते हैं। तो उसी प्रकार साधु संतों की भी हमें जाति पूछकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ईश्वर की कोई जाति नहीं है, है ना, ईश्वर निराकार है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों की उपयोगिता तो उनके ज्ञान से ही होती है, ना कि उनकी जाति से। आगे आपको अब अगले पेज पर देखो, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। हमें साधु संतों की संगत करनी चाहिए। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए।
हमें साधु संतों की संगत करनी चाहिए। संगत मतलब उनका साथ, साधु संतों का हमें साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी निष्फल नहीं होता। संगत कीजिए साधु की, कभी ना निष्फल होए। साधु संतों की जो संगत है वो कभी भी निष्फल यानी खाली नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि साधु संतों की संगत से हमें जो साधु संतों की अच्छाइयाँ हैं, जो उनका ज्ञान है, वो हमें व्याप्त हो जाता है। किस प्रकार लोहा पारस परसते सो भी कंचन हो, जिस प्रकार लोहे को पारस पत्थर के साथ जब रखा जाता है तो वह भी सुंदर कंचन के समान चमकने यानी सोने के समान चमकने लग जाता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु संत है वो भी उस पारस पत्थर के समान है, जो अपने पास आने वाले हर बुरी चीज़ को यानी हर, जैसे पारस पत्थर लोहे को अपने पास रखता है तो क्या कर देता है, सोना बना देता है। तो उसी प्रकार साधु संत भी जब किसी के पास रहते, जब कोई उनकी संगत करता है तो वो भी एक सुंदर कंचन के समान चमकने लग जाता है। मारी आशा सांपनी जिंडसिया संसार, कबीरदास जी कहते हैं मारी आशा सांपनी, इस आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए। मारी आशा सांपनी, आशा यानी दुराशा, किसको कहते हैं दुराशा, बुरी इच्छाएं जो मनुष्य अपने मन में हर वक्त पाले रखता है, ये होना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए हमारे पास, तो उनको क्या कहा है यहाँ, आशा यानी दुराशा, जो बुरी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको यहाँ क्या कहा गया है, मारिए आशा सांपनी जिंडसिया संसार, इस आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए जिसने सारे संसार को डस रखा है। ताकि औषध दोष है, इसकी औषधि, औषधि यानी औषधि, इसकी औषधि क्या है, संतोष है। मारिए आशा सांपनी जिंडसिया संसार, इस आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए जिसने सारे संसार को डस रखा है। ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि क्या है, संतोष है। ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि संतोष है। मारी आशा सांपनी जिंडसिया संसार, इस आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए। आशा यानी जो बुरी इच्छाएं हैं, जैसे लालसाएं हैं मन में, जो वासनाएं हैं, जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, जो ईर्ष्याएं हैं, उनको मार दीजिए। उनको यहाँ कबीरदास जी ने सर्पणी के समान बताया और कहा है मारिए आशा सर्पणी, इन आशा रूपी यानी दुराशा रूपी इच्छाओं को, लालसाओं को, इस लालसा रूपी सर्पणी को मार दीजिए। जिंडसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस रखा है। ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि, औषधि यानी उपचार, इसका उपचार क्या है, संतोष। जब मन में हमारे संतोष व्याप्त हो जाता है तो ये इच्छाएं लालसाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जिस भी चीज़ में हम संतोष कर लेते हैं कि जो चीज़ मेरे पास है उतनी ही उपयोगी है, उतनी ही अच्छी है, तो मन में स्वतः ही ये इच्छाएं समाप्त हो जाती है ना। और जब हम लालसाएं रखते रहते हैं, ये होना चाहिए, ये उसके पास है, ये मेरे पास भी होना चाहिए, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाने लग जाती है, हमारी लालसाएं बढ़ने लग जाती है। तो कबीरदास जी भी ये कह रहे हैं कि मारिए आशा सांपनी, इस इन आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए। जिंडसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस रखा है। ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि क्या है, इसकी औषधि संतोष है। जब मन में हम संतोष कर लेते हैं, जो मेरे पास है उतना ही व्याप्त है, इतना ही पूर्ण है, तो क्या होता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो उसी के लिए कहा गया है कि इस आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए जिसने सारे संसार को डस रखा है, इसकी औषधि संतोष है। और जब हमारे मन में ये संतोष व्याप्त हो जाता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि संतोष है। और इस संतोष रूपी गुरु मंत्र को हमें हमारे मन में विचार करना चाहिए। आगे समझने, यानी यहाँ आशा रूपी सर्पणी किसे कहा गया है, इच्छाओं को, लालसाओं को, दुराशाओं को। तो वो जब हमारे मन में व्याप्त हो जाती है तो हमारा मन में लालसाएं बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है, और जब इच्छाएं बढ़ जाती है तो मनुष्य का जीवन भी क्या हो जाता है, जब हमारे मन में इच्छाएं रहती है तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है। हर वक्त इच्छाएं रहती है, ये होना चाहिए था, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उससे क्या हो जाती है, लालसाएं जितनी बढ़ती है जीवन उतना ही दुखी होता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मारिए आशा सांपनी, इस आशा रूपी सर्पणी को यानी इस दुराशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए। जिंडसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस रखा है।
ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि क्या है, संतोष है। मन में जितना संतोष व्याप्त होगा उतनी ही इच्छाएं कम होगी, तो इसकी औषधि क्या है, संतोष है। और जब ये संतोष हमारे मन में धारण हो जाता है, यानी ये संतोष रूपी गुरु मंत्र का हमें विचार करना चाहिए, जब ये हमारे मन में व्याप्त हो जाता है तो सारी इच्छाएं लालसाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कबीरदास जी कहते हैं, कागा काको धन हरे, कौवा किसके धन को हरता है, और कोयल काको देत, और कोयल किसको देती है, यानी कौवा तो किसका चुरा के ले जाता है और कोयल किसको लाके देती है, नहीं है ना, ना ही तो कौवा किसी का चुराता है और ना ही कोयल किसी को लाकर देती है। लेकिन कोयल अपनी मधुर आवाज़ से मीठा शब्द सुनाए के, वो अपनी मधुर आवाज़ सुना के, जब कोयल की मधुर आवाज़ सुनती है तो लोग उसको सुनने बैठ जाते हैं, जब कोयल बोलने लगती है उसकी मधुर आवाज़ निकलती है तो लोग क्या करते हैं, उसको सुनने बैठ जाते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ना ही तो कौवा किसी का धन चुरा के ले जाता है और ना ही कोयल किसी को लाकर देती है, लेकिन मीठा शब्द सुनाए के, लेकिन कोयल अपनी मधुर आवाज़ सुनाकर जग अपनो कर ले, सारे संसार के मन को अपनी तरफ कर लेती है, क्योंकि मधुर आवाज़ की तरफ लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। वही जब आपसे कोई कर्कश आवाज़ में बोलता है तो आप उसको सुनना पसंद नहीं करते, और वही कोई जब मधुर आवाज़ में आपको बोलता है तो हम उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं, है ना। जब कोई चीखता चिल्लाता लड़ाई करता बोलता है तो हम सुनते हैं क्या, हमें वापस जोश आ जाता है उसको देख के। तो वैसे ही ना ही तो कौवा किसी का धन चुराता है और ना ही कोयल किसी को लाकर देती है, लेकिन मीठा शब्द सुनाए के, लेकिन अपनी मधुर आवाज़ से वो सारे संसार को अपनी तरफ कर लेती है। जैसे ही कौवा बोलता है हम उसको पत्थर मार के उड़ाने लग जाते हैं, और कोयल की मधुर आवाज़ जब हमें सुनाई देती है तो हम भी सुनने की इच्छा रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ वाणी की महत्ता को बताया गया है कि जब वाणी मधुर होती है तो वो संसार को अपनी तरफ कर लेती है। तो ये आपका फर्स्ट कबीरदास जी का चैप्टर पूरा हो गया है। फिर रिविज़न करूँ क्या एक बार, ये वाला बताऊँ। कागा काको धन हरे, कौवा किसका धन हरता है, कोयल काको देत, और कोयल किसको लाकर देती है। मीठा शब्द सुनाए के, लेकिन अपनी मधुर आवाज़ सुना के जग अपनो करी लेत, लेकिन सारे संसार को वो अपनी तरफ कर लेती है। तो हमें वाणी के महत्व को यहाँ बताया गया है कि जो मधुर वाणी है वो संसार को अपनी तरफ करने की क्षमता रखती है, और जो कर्कश आवाज़ है वो संबंधों को खराब कर देती है। कर्कशता से क्या हो जाते हैं, संबंध दूर हो जाते हैं, मधुरता नहीं होती है तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें हमारी आवाज़ हमेशा मधुर रखनी चाहिए। यहाँ वाणी के महत्व को बताया गया है कि जो मधुर वाणी है, जैसे कोयल अपनी मीठी वाणी से या मीठे शब्द सुनाकर सबको आत्मीय बना देती है और वो सबको अच्छी लगती है, और वैसे ही कौवा अपनी कर्कश आवाज़ के कारण सबको नापसंद होता है, उसको सुनते ही लोग पत्थर मारने लग जाते हैं। मारी आशा सांपनी, इस आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए, यानी जो मन में इच्छाएं लालसाएं रूपी सर्पणियां हैं इनको मार दीजिए। जिन डसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस रखा है, ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि संतोष है। इस संतोष रूपी गुरु मंत्र को हमें हमारे मन में विचार करना चाहिए। यानी सब लोग दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें दुराशाएँ आ सकती हैं जब उनके जीवन में रहती है, तो उनको त्याग कर ही वो सुखी हो सकते हैं। यानी इस आशा रूपी सर्पणी को मार कर ही हम सुखी हो सकते हैं, और इसको मारने का इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है, संतोष। ये संतोष रूपी गुरु मंत्र जब हमारे मन में स्थापित हो जाता है तो ये लालसाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो। जो साधु संतों की संगत है, अच्छे लोगों की जो संगत है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाती है। जिस प्रकार पारस का स्पर्श करने से लोहा, जो कठोर लोहा है, वो भी सोने के समान सुंदर बन जाता है, तो उसी प्रकार साधु संतों की संगत को यहाँ क्या बताया गया है, पारस पत्थर, क्योंकि वो भी पारस पत्थर के समान है। जब हम उनकी संगत करते हैं तो वे भी हमारे जीवन से कष्टों को, बुराइयों को दूर कर देते हैं और हमारे जीवन को सुंदर सा, सोने के समान सुंदर निखार देते हैं। इसलिए हमें हमेशा साधु संतों की संगत करनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि साधु संतों की जाति की उपयोगिता नहीं होती है, उनके ज्ञान की उपयोगिता होती है। तो हमें साधु संतों से उनकी जाति पूछकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोल जाति का न होकर मोल किसका होता है, ज्ञान का।
जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, ना कि वो जिस तलवार जिस म्यान के अंदर रहती है उस म्यान की सुंदरता का मोल होता है, मोल होता है तलवार का, उसकी धार का। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, चाहे भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। जब मनुष्य अभिमान का त्याग कर देता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसके हृदय में उसके प्रियतम का ही निवास होता है। इसलिए वो कहता है कि इस जीवन से जब अभिमान निकल जाता है, मनुष्य के जीवन से जब अभिमान समाप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सुखी हो जाता है और उसके हृदय में ईश्वर का निवास हो जाता है। चाहे उसको फिर कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसको अपने हृदय में अपने ईश्वर का निवास प्राप्त हो जाता है। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं। हमें गुणों की वार्ता को सुनना चाहिए, अवगुणों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। जिस प्रकार जो हंस है वो दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, अर्थात गुण गुण ग्रहण कर लेने चाहिए और अच्छाइयों को हमें हमारे अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए और बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार में त्याग दिया जाए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है। हमें हमारे मन में ये विचार करना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो उस ईश्वर का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है तो किसी भी चीज़ में हमारी इच्छाएं लालसाएं अटकती नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए, हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार में त्याग दिया जाए। मन में ये विचार कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वो उस ईश्वर का ही दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कबीरदास पूरा हो गया। अगला हम पढ़ेंगे तुलसीदास।